अकादमी पत्रकारिता सम्मान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्री सुप्रिय प्रसाद। ये सरस्वती के उपासक का सम्मान है, ये हिंदी के सजग प्रहरी का सम्मान है, ये हिंदी को दुनिया की सबसे धाकड़ आवाज बनाने वाले कर्मयोगी का सम्मान है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के हाथों जब आज तक के न्यूज डायरेक्टर सुप्रिय प्रसाद को हिंदी अकादमी का सम्मान मिला तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नई दिल्ली के कमानी सभागार में हिंदी अकादमी के सम्मान अर्पण समारोह में सुप्रिय प्रसाद को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभूतपूर्व योगदान के लिए पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया। आप सभी जानते हैं कि टीवी में कोई पत्रकार कुछ अकेले कुछ नहीं कर सकता है, जो भी होता है वो पूरी टीम का होता है। इसीलिए मैं अपना ये सम्मान पूरी टीम को समर्पित करता हूँ। ये अवार्ड पूरी टीम का अवार्ड है। नमस्कार, गांव आज तक में आपका स्वागत है। सुप्रिय प्रसाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया के सशक्त हस्ताक्षर है। सुप्रिय प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कदम तब रखा था जब भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी पहचान तलाश रहा था। सुप्रिय प्रसाद ने 1995 में आज तक के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की। तब आज तक का 20 मिनट का बुलेटिन दिल्ली दूरदर्शन पर आता था। नई सदी की शुरुआत के साथ 2000 में आज तक 24 घंटे के न्यूज चैनल के अवतार में आया। तब सुप्रिय प्रसाद इस टीम का अहम हिस्सा थे और अब पिछले कई वर्षों से सुप्रिय प्रसाद आज तक न्यूज चैनल के हेड हैं। आज तक आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही नहीं देश की और हिंदी की सबसे सशक्त आवाज है। इस आवाज में इतने दम के पीछे सबसे अहम भूमिका सुप्रिय प्रसाद की ही रही। सुप्रिय प्रसाद को हिंदी अकादमी का पत्रकारिता सम्मान सही मायने में हिंदी के एक कर्म योद्धा का सम्मान है। आज तक ब्यूरो।